Good morning, children. Welcome back to your English class. In last class, we have done naming words. अब हम naming words में आगे पढ़ेंगे common names and special names. So, are you all ready? Yes, ma'am. We are ready. Very good. So, let's once revise. What were the naming words? Yes, Akshita, tell me what are naming words. अब हम देखेंगे कि नेमिंग वर्ड्स में कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है. पहले मैम आपको एक एग्जांपल देंगी, एक बात से समझाने की कोशिश करेंगी, आपको मैम की बात ध्यान से सुननी है. जैसे कि अगर हम सब क्लास में हैं तो मैम ने कहा वन बॉय प्लीज़ कम हियर, इसका मतलब क्या है कि क्लास में मैम किसी भी बॉय को बुला रही हैं. कोई भी बॉय आ सकता है, ठीक है, कोई भी बॉय आप सब में से उठकर आएगा और मैम की बात सुनेगा. लेकिन अगर मैम ने एक स्पेसिफिक नाम लेकर कहा है दक्ष प्लीज़ कम हियर, तो इसका मतलब क्या है कि मैम किसे बुला रही हैं, मैम दक्ष को बुला रही हैं. दक्ष क्या हो गया, दक्ष एक स्पेशल नाम हो गया. और बॉयज़ क्या हो गया, बॉयज़ एक कॉमन नेम हो गया है, यानी कि कोई भी बॉय और दक्ष, यानी कि सिर्फ दक्ष के बारे में बात की जा रही है. क्या आपको समझ आया? Yes, ma'am. I understood. But क्या आप प्लीज हमें और एग्जांपल्स देंगी? Yes, अक्षिता, of course. For example, अगर आपसे कोई कहे I am going to visit a monument, मैं एक मॉन्यूमेंट विजिट करने जा रहा हूँ या मैं एक मॉन्यूमेंट में घूमने जा रहा हूँ, तो आपको ये तो पता है कि वो एक मॉन्यूमेंट में जा रहे हैं. ये हो जाएगा एक कॉमन नाम, मॉन्यूमेंट एक कॉमन वर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर वो आपको बताएं कि वो इंडिया गेट पर घूमने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विजिट इंडिया गेट, तो इंडिया गेट विल बी अ स्पेशल नेम. इससे आपको पता रहेगा कि वो इंडिया गेट जा रहे हैं. अगर उन्होंने इंडिया गेट की जगह सिर्फ मॉन्यूमेंट बोला, इसका मतलब वो एक कॉमन नेम है. वो कोई भी मॉन्यूमेंट हो सकती है, वो रेड फोर्ट भी हो सकता है, वो ताजमहल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर उन्होंने बता दिया कि मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ, तो इंडिया गेट एक स्पेशल नेम हो जाएगा. क्या अक्षिता अब आपको समझ में आया? Yes, ma'am. One thing to notice बेटा, हम जब भी प्रॉपर नेम्स का या स्पेशल नेम्स का नेम कहीं पर लिखते हैं, स्पेशल नेम्स को हम कहीं पर लिखते हैं, तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है. फॉर एग्जांपल, आप सबका नेम स्पेशल नेम में आएगा, तो आपको जब भी अपना नाम लिखना है, आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाओगे. अगर आपको अपनी कंट्री इंडिया का नाम लिखना है, ठीक है, इंडिया एक स्पेशल नेम है, इंडिया का नाम आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे. अगर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, आपका स्कूल एक स्पेशल स्कूल है, तो आप अपने स्कूल का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे. एंड वन मोर थिंग, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, हॉलीडेज और एनी बुक आर ऑल्सो स्पेशल नेम्स. ये सब भी स्पेशल नेम्स होते हैं. विल यू ऑल रिमेंबर दैट? यस मैम, वी विल रिमेंबर दैट. ओके चिल्ड्रेन, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप मुझे बताओगे दैट वेदर दे आर कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम. ओके ओके मैम. चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इज अ कॉमन नेम और स्पेशल नेम? मैम, इट इज अ कॉमन नेम. यस मैम, बिकॉज इट इज अबाउट एनी चिल्ड्रेन, वो कोई भी चाइल्ड हो सकता है या कोई भी चिल्ड्रेन हो सकते हैं. राइट, नाउ व्हाट अबाउट संडे? मैम, संडे इज़ अ स्पेशल नेम बिकॉज अभी आपने बताया कि नेम ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज एंड बुक्स आर स्पेशल नेम. सो ऑल द डेज नेम आर स्पेशल नेम्स. यस, राइट. नाउ व्हाट अबाउट अ स्कूल? मैम, स्कूल इज़ अ कॉमन नेम बिकॉज इट कैन बी एनी स्कूल, वो कोई भी स्कूल हो सकता है, हमें स्कूल का नाम नहीं बताया. एक्सीलेंट अक्षिता, व्हाट अबाउट अ डॉग? मैम, इट विल बी अ कॉमन नेम बिकॉज इट कैन बी एनी डॉग. व्हाट अबाउट होली?
बिकॉज होली इज अ स्पेशल फेस्टिवल। हम किसी भी फेस्टिवल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम होली के बारे में बात कर रहे हैं। यस, एक्सीलेंट चिल्ड्रन। वन लास्ट एग्जांपल, व्हाट अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी? मैम, इट्स अ स्पेशल नेम बिकॉज इट्स नेम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Yes, Daksh, very good. Now you have understood common names and special names. So let's write them in our notebook. Take out your notebook, children.